अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं या आपने अभी तक नाजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम कल 6 बजे व्हाट्सएप बंद कर रहे हैं और आपको कानूनन इसको खोलने के पैसे देने पड़ेंगे। ये मैसेज आप लोगों को इतला दें, तमाम यूजर्स को इतला देने के लिए। हमारे जो सर्वर थे वो बहुत ज्यादा पचीदा हो गए थे और अब हम आपको मदद के लिए कह रहे हैं, मसला हल करने के लिए। हम अपने एक्टिव जो लोग अभी भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करें हर एक बंदे को अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में, ताकि कंफर्म हो जाए कि एक्टिव यूजर कौन है व्हाट्सएप पे। अगर आप ये मैसेज सेंड नहीं करेंगे अपने कॉन्टेक्ट में व्हाट्सएप के, तो आपको अब चार्ज होगा जो अगर आप उससे बाद में बात करेंगे। आपका अकाउंट एक्टिव नहीं रहेगा और आपके सारे कॉन्टेक्ट मजबूरन मतलब के बुरे हालातों की वजह से मतलब कि आप खो देंगे। और ये मैसेज जिम ब्लैस्टिक जो कि मालिक है व्हाट्सएप का उसकी तरफ से है। हम बेसिकली बहुत ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स मतलब ज्यादा हो गए हैं व्हाट्सएप यूजर्स। हम तमाम यूजर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैसेज को आगे सेंड करें अपनी तमाम लिस्ट को, कॉन्टेक्ट लिस्ट को। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका वो जो अकाउंट है वो इनवैलिड हो जाएगा और ये 48 घंटे 2 दिन में डिलीट हो जाएगा। इस मैसेज को डिलीट ना करें और व्हाट्सएप फिर वरना आपको रिकॉग्नाइज पहचानेगा नहीं कि आप एक्टिव यूजर हैं कि नहीं। और अगर आप अपना अकाउंट रीएक्टिव करना चाहेंगे इस मैसेज के बहुत देर बाद, ठीक है, ये लास्ट मैसेज है व्हाट्सएप की टीम की तरफ से। 20 लोगों को ये मैसेज सेंड करें ताकि आपका रजिस्टर्ड हो सके। अगर आपको आप 20 लोगों को सेंड करेंगे तो आपको ग्रीन टिक आएगा, इसका मतलब है कि आप ठीक हैं, मतलब आपका अकाउंट। ब्लू टिक का मतलब है कि ये सिर्फ अपडेट है, तो ग्रीन टिक का वेट करें। फेसबुक और व्हाट्सएप अब एक नया इकट्ठा कर दिया गया वर्जन है और इसको जल्दी से जल्दी सेंड करें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नजीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं नाजी टीवी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका कल व्हाट्सएप 6 बजे बंद होगा या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके हमारी यूट्यूब चैनल के फैमिली के मेम्बर बन जाएं। इस तरह हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों जो हम पाकिस्तानी हैं ना, ये बिना तहकीक किए व्हाट्सएप पर मैसेज को शेयर किए जाते जाते हैं, पता नहीं करते कि ये झूठ है या सच। अब कल से मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं वो ये हैं कि अगर आप इस मैसेज को 20 लोगों तक सेंड नहीं करेंगे तो आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि आपको अपने व्हाट्सएप की वेरिफिकेशन करने के लिए एक पे करनी पड़ेगी, यानी कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। और ये मैसेज मेरे पास पढ़े लिखे लोगों का आ रहा है, ना कि कोई जाहिल लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो खुदा के बंदे, खुदा का नाम लो, व्हाट्सएप किस तरह बंद हो सकता है। अब अगर फेसबुक वाले आपसे कहें कि 20 ये मैसेज 20 लोगों तक सेंड करो वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो क्या आप ये बात यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि फेसबुक पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, तो इसी तरह ये भी व्हाट्सएप पर एक झूठी खबर फैलाई जा रही है। तो अगर इस तरह व्हाट्सएप बंद हो जाए तो क्या वो व्हाट्सएप वाले पागल हैं जो अरबों रुपए एक ही दिन में कमा रहे होते हैं? ये एक सरासर झूठी खबर है जो आजकल बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही होती है। दोस्तों इस तरह किसी का भी व्हाट्सएप बंद नहीं होने वाला, ये सरासर एक झूठी खबर है। तो आपने इस आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आप में से बहुत से दोस्तों ने नोटिस किया होगा कि जब इस तरह की कोई खबर शेयर की जाती है तो उस जिस जो बात लिखी गई होती है उसके अंदर एक लिंक दिया जाता है। तो दोस्तों उस लिंक पर जब लोग क्लिक कर देते हैं गलती से, तो उनका अकाउंट ज़्यादातर तो हैक हो जाता है या वो एक गूगल पर एक पेज पर जाकर खुल जाता है। इस तरह वो अपनी एड्स को लोगों को दिखाकर अपनी अर्निंग का एक ज़रिया बनाते हैं और ऐसी झूठी खबरें फैलाकर लोगों में खौफ व हिरास पैदा करते हैं कि आपका व्हाट्सएप कल से बंद हो जाएगा। तो ये एक सरासर झूठी खबर है, आपने इस खबर पर बिल्कुल यकीन नहीं करना।
और कल भी पता चल जाएगा कि आपका व्हाट्सएप बंद होता है या नहीं, क्योंकि ये सरासर झूठी खबर है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों यही मैं बताना चाह रहा था कि ये बिल्कुल झूठी खबर है, आपने इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।